बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? हम आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी के साथ और नए अंदाज़ में आए, मैं और महबूब। तो हम आज बनाएंगे पोची। पोची को हम इस्तेमाल करते हैं चाय के साथ और रात का बचा हुआ जो खाना होता है, सालन होता है, उसके साथ भी खा सकते हैं, लेकिन उमूमन हम इसे चाय के साथ खाते हैं। सबसे पहले आग जलाने के लिए अपने लकड़ियाँ रखेंगे। छोटी छोटी लकड़ियाँ रखेंगे ताकि जल्दी आग पकड़ सके। बहुत भाई सर्दी है आजकल, सर्दियों का मौसम चल रहा है मंजूर भाई। तो दोस्तों सर्दी काफ़ी है, मैंने आप लोग को नज़र नहीं आएगा लेकिन मैंने ये पहना हुआ है, ये कमीज़ है, उसके नीचे भी मैंने पहना हुआ है, तो ये सर्दी काफ़ी है। आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ नहीं पहना है, आप लोग हैरान होंगे कि सर्दी में क्यों नहीं पहना है भाई। तो चर्बियों का तय चढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं कि हमने अपना कोट वो धोल लाने के लिए दिया है, मुझे क्या पता सर्दी पड़ जाएगी, इसीलिए मैं अनजाने में कोट को धोने के लिए दे दिया और इसीलिए सर्दी में ठटर रहा हूँ। इसके थोड़ा सा आटा इसमें लेना है जितना हमको ज़रूरत है, तो मैं ले लिया है। अभी इसको स्टार्ट करेंगे गूंदने के लिए। और इसको बनाएंगे क्योंकि इसको थोड़ा सख्त करना है, सही तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद सख्त करना है तो पानी क्यों डाल रहे हो? क्योंकि मिक्स भी सही होना चाहिए ना। अच्छा, अगर ये सही मिक्स नहीं हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हमारे जुबान में कहते हैं कि भाई महबूब तो गोदी सी, मतलब ये कि ये है सुगड़ है, अपने काम में अच्छी है, अच्छा है, और ये आगे जाकर अपना घर गृहस्थी अच्छी तरह बसा सकता है, तो मैं इनका मशहूर हूँ। और ये हमारा बिशेंग जो आप देख रहे हैं, ये हमारे सकाफती रंग में से एक रंग है, तो हम इसमें अक्सर पेड़े बनाकर इसमें ही रख लेते हैं, तो छोटी छोटी, और यहाँ पे इसको गोल वगैरह करते हैं तो इसी पर ही करते हैं, ये हमारी सकाफत की अहम जुजू में से है, ताकि आटा इधर उधर गिरकर ज़्यान ना हो, तब हम यहाँ पे आटा थोड़ा सा डाल लेते हैं फिर इनको। अभी इसको हम इधर सख्त करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस रोटी के लिए आटे को सख्त होना चाहिए, तो इसीलिए हम उससे हटा के इधर बना देंगे, थोड़ा सख्त हो जाए, सही है। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं अब हम अपने आटा को गोल करेंगे, रोटी की शक्ल देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हम इसको बनाने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। इस पर हम आटा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस पर छिपक ना जाए, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आप फिर पूछेंगे भाई आटा क्यों लगाया है और बताया क्यों नहीं। उमूमन पतली रोटियां बनाते हैं तो ये थोड़ा सा मोटा होगा, इस बिना पर फिर पोची में तब्दील होगा।
ये बिल्कुल ही तैयार हो चुका है अभी, ये आप लोग देख सकते हैं महबूब भाई की काविश रंग। तो नाजरीन हमारे कोयले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे साथ रहिएगा पूछी को किस तरह बनाते हैं। मैं समझता हूँ 8 मिनट तकरीबन ये ले लेगा हमसे यहाँ पे, क्योंकि कोयले के ऊपर होता है कोयले कितने गर्म हैं, कोयले कितनी मकदार में हैं। तो हमारे पास बिल्कुल महदूद मकदार में कोयले हैं, लेकिन वो उन पर अच्छी तरह पक सकता है, क्योंकि जितने कम कोयले होंगे उतना ही जायकेदार और मज़ेदार पोछी हमारा तैयार हो जाएगा। ख्याल ये रखना है कि ये अब से जल ना जाए, इसीलिए हम उसको जल्दी जल्दी इस तरफ उस तरफ कर रहे हैं कि जल नहीं जाएगा, जल गया तो फिर सारा पोछी का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। जी आप देख सकते हैं सिर्फ इसके किनारे थोड़े कच्चे हैं, तो अभी इसको किनारों को पकाना है, बाकी हमारा और बिल्कुल ही अभी तैयार हो चुका है, अभी साथ इसे उतारेंगे और उसके बाद हम आज इसे चाय के साथ अपना नोश फरमाएंगे। जी अब हमारा रोटी तैयार हो गया है, अब हम इसको चूल्हे से उतारेंगे, थोड़ा इसको साफ करेंगे। हमने पोछी रखा हुआ है और हमारी चाय गर्म हो रही है, क्योंकि हमने पहले से किया हुआ था अपने नाश्ते के लिए, तो वो तैयार है और अभी गर्म हो चुका है। तो महबूब भाई अभी चाय डाल रहे हैं पोछी और चाय, पोछी का मैंने पोछी को उठाया हुआ है और पोछी के एक निवाला ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर से भी पका हुआ है, ज़बरदस्त बना हुआ है। वाह भाई ये बहुत ही जायकेदार बहुत ही मज़ेदार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे ये अपने देसी खाने हैं। तो हमारे साथ रहिएगा आइंदा नए एपिसोड के साथ, इंशाल्लाह ताला मज़ीद और मज़ेदार एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तो आज के लिए महबूब और मंजूर की तरफ से अल्लाह हाफिज़।